रज़ा नर्सरी से आपके लिए एक वीडियो ये लाया हूँ मैं। इसमें जो अब डेवलपमेंट शुरू हुआ है, मैंने जो पौधे लगाए हैं उनमें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है इन गुलाब की। यहाँ एक देखिए कि कितना बढ़िया ये पिंक में है, ये इसमें बंचेस में आते हैं गुलाब, बहुत ही खूबसूरत है। डेविड ऑस्टिन जो वैरायटी है मेरे पास गुलाब की, उसमें मून को और एक वैरायटी है, इसमें देखिए कितनी अच्छी बडिंग शुरू से ही चला आ रहा है। इसमें अब ये कलियाँ निकलनी शुरू होंगी। इसमें अब जितने भी पौधे मैंने लगाए हैं गुलाब के, सब में बडिंग शुरू हो गई बहुत तेज़ी के साथ। आप यहाँ ये डबल डिलाइट देखिए कितना अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है। उधर ये येलो में है, बहुत ही बढ़िया इसकी बडिंग शुरू हुई है, अभी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि इनमें अभी दवा मैंने लगाई थी तो अभी कीड़े वगैरह जो लग गए थे वो सब मर गए हैं, और अब प्रॉपर इन्हें सनलाइट मिल रही है, आप देख रहे हैं प्रॉपर वाटर मिल रहा है सही से, प्रॉपर इन्हें इनके फर्टिलाइज़र मैंने दिया है इन्हें, और गुड़ाई वगैरह भी मैंने प्रॉपर की है इनकी। तो ये बहुत ही अच्छे निकल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं इस वक्त। ये बहुत ज़्यादा पत्ते आ रहे हैं इनमें, क्लाइंबर्स में भी अगर आप देखें, मेरे पास 4 या 5 क्लाइंबर्स हैं। ये वाइट वाला क्लाइंबर से बड़े इसमें लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। और भी मेरे पास क्लाइंबर हैं। अभी डेविड ऑस्टिन में ये लैशियल ब्लू है, इसमें भी बडिंग शुरू हो गई है। इससे पहले मैंने आपसे टाइगर रोज शेयर किया था, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसमें फ्लावरिंग आ रही है। मेरे पास कैलकटा 300 भी, वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मतलब डिफरेंट वैरायटी के हैं प्लांट्स मेरे पे रोज के, हर कलर में है। यहाँ के लिए रेनबो वाला जो मैंने पहले शेयर किया था आपसे, इसमें कली आ रही है, यहाँ आप देख सकते हैं एक कली बन रही है इसमें, और बहुत ही अच्छा पैटर्न आता है कलर का इसमें। इसके अलावा और भी पीछे भी डेविड ऑस्टिन रखा हुआ है मेरे पे, एक डेविड ऑस्टिन ये है जो बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का ये निकलेगा अभी। एक डेविड ऑस्टिन मेरे पास इसमें है, ये सामने आपको दिख रहा है, अभी पीले रंग का निकल इसमें फूल आएगा जब इसमें कलियाँ बनेंगी। ये मिनीचर्स में है सारे जितने भी हैं, मिनीचर्स तो क्या ही है मेरे पास जो मैंने लगाए हैं, और क्लाइंबर में है मिनीचर्स जितने भी हैं मेरे पास। तो मैंने चाहा था कि आपसे वीडियो शेयर करूं। मैंने कुछ यहाँ गुलदी पेरी वगैरह भी लगा रखी हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ पे हैं इस वक्त। तो ये वीडियो मुझे शेयर करनी थी आपसे, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पर है मेरे पौधे इस वक्त जो आपको दिख रहा होगा। आप भी ऐसे ही केयर कीजिए अपने गुलाबों को, जो मैंने और वीडियो डाल रखी हैं उनमें जो जो मैंने ट्रीटमेंट बताए पौधों में, इनमें गुलाबों में किस कब क्या इनमें दवा देनी है, लगानी है, स्प्रे करना है, कब कौन सी खाद देनी है, या फर्टिलाइज़र जैसे भी आप डाल सकते हैं जो मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो उसी तरह से कीजिएगा तो आपके पौधे बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे। मेरे पास ये गुलदावरी भी है, बहुत अच्छी ग्रोथ पे है इस वक्त, 2 गुलदावरी लगा रखी, बहुत ही अच्छे कलर हैं। इसके अलावा मैंने रेनकुलस के पौधे भी और लेकर आया हूँ, एक डार्क पर्पल कलर का है, ये भी डबल डिलाइट्स के जैसे ही कलर का है कि अभी मैंने गमले में लगाऊंगा, अभी लेकर आया था मैं नर्सरी से, ये भी बहुत अच्छे हो रहे हैं इस वक्त। ओवरऑल आप देख सकते हैं कितनी अच्छा एक लुक आ रहा है मेरी नर्सरी का, कि जब ये पत्ते फूटते हैं जो कलियाँ आती हैं तो अलग ही एक एनवायरनमेंट बनता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। आप भी इसी तरह से केयर कीजिएगा अपने पौधों की, गुलाब के पौधों की। अगर हम नहीं हो रहे हैं तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ मैंने बता रखा है, आप उसी तरह से लगा सकते हैं। गुलाब तो एक ऐसा पौधा है जो सभी पसंद करते हैं, जिसे सभी लाइक करते हैं। कलियाँ धीरे धीरे भर के आएंगी इनके अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो है, और आपको कोई भी बात पूछनी हो गुलाब के मुतालिक तो पूछ सकते हैं आप उससे, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं जवाब दूंगा आपका उसका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ये चैनल मेरा आगे और आपको हेल्प करेगा पौधे लगाने में, गुलाब के किसी भी तरह के पौधे हों वो भी।
इसी तरह से लगाए जाते हैं।